ये है प्लेटीबेलोडॉन, जिन्हें हाथियों का पूर्वज कहा जाता है। यह धरती से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। प्लेटीबेलोडॉन की ये प्रजाति अफ्रीका, एशिया और यूरेशिया के क्षेत्रों में पाई जाती थी। मियोसीन युग में पाए जाने वाले प्लेटीबेलोडॉन लंबी सूंड और लंबे थूथन वाले होते थे। हाथियों से आकार में छोटे प्लेटीबेलोडॉन 10 फीट लंबे और 2 से 3 टन वजनी होते थे। एशियाई हाथी 20 फीट लंबे और 4 टन वजनी होते थे। वहीं अफ्रीकी बुश हाथी 24 फीट लंबे और 7 टन वजनी होते थे। प्लेटीबेलोडॉन का फावड़े जैसा थूथन और नीचे के चपटे नुकीले दांत 2 से 3 फैले रहते थे, जिनका उपयोग ये पेड़ों की शाखाओं को काटने और पेड़ों की छाल उतारने के लिए किया करते थे। शाकाहारी प्लेटीबेलोडॉन जलीय नर्म वनस्पतियाँ और नर्म मुलायम घास को खाते थे। माना जाता है कि 66 मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिससे